हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट मीन्स हार्ट अपने फंक्शन को कैसे परफॉर्म कर पाता है या करता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट देखने के पहले हमको फिर से हार्ट के एक ले आउट फिगर को देखना जरूरी होगा कि इस हार्ट का एक स्ट्रक्चर कैसा है और यह उस तरह से फंक्शन को कैसे परफॉर्म करेगा। तो अगर हम लोग हार्ट के फिगर को देखेंगे तो इसमें हार्ट में फोर चेंबर होता है, मीन्स ह्यूमन के हार्ट जो होते हैं वह फोर चेंबर्ड होते हैं। इस फोर चेंबर्ड हार्ट में दिस इज द हार्ट और इसमें फोर चेंबर्ड हार्ट है। यह है राइट एट्रियम, यह है लेफ्ट एट्रियम, यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसके पहले हम लोग जब एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ रहे थे उसमें हार्ट के चारों चेंबर्स के विषय में डिटेल बता चुके हैं। अब आते हैं कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड के फ्लो में कैसे अपना रोल निभाता है। तो पहला अगर फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर इस हार्ट के द्वारा ब्लड का फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे कराया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह हार्ट ब्लड रिसीव कहां से करता है और कौन कौन से ब्लड वेसल्स इस हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है और फिर कैसे इसमें से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह फिर सिस्टम में पहुंचता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में सपोज दिस इज द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में तीन तरह के ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के राइट एट्रियम तक पहुंचाते हैं। एक ऊपर के स्ट्रक्चर है, एक और स्ट्रक्चर जो होता है ब्लड वेसल्स वह ब्लड वेसल्स नीचे से, और एक ब्लड वेसल जो होता है वह हार्ट के वाल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के राइट एट्रियम पहुंचाता है। ऊपर का पोर्शन जो है यह पोर्शन मीन्स वह ब्लड वेसल जो हमारे शरीर के ऊपरी भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के राइट एट्रियम पहुंचाता है उसे हम लोग सुपेरियर वेना कावा कहेंगे, उसे हम लोग सुपेरियर वेना कावा कहते हैं। मींस शरीर के ऊपरी भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो ब्लड वेसल्स हमारे राइट एट्रियम में पहुंचाता है उसे हम लोग सुपेरियर वेना कावा कहते हैं, और शरीर के निचले भाग से जो ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हमारे राइट एट्रियम में पहुंचाता है उसे हम लोग इन्फेरियर वेना कावा कहते हैं, उसे हम लोग इन्फेरियर वेना कावा कहेंगे। और यह जो है कोरोनरी साइनस, इसे कहते हैं हम लोग कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। यह जो है हमारे हार्ट के वाल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यह कोरोनरी साइनस हमारे राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से तीन तरह का ब्लड वेसल्स राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पहुंचाने का काम किया। तो यहां पर इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के द्वारा तीन तरह के ब्लड वेसल्स से रिसीव किया गया। अब आते हैं लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में जो है लगभग चार तरह का पल्मोनरी वेन इसमें ब्लड वेसल्स को लेकर के ब्लड को लेकर के इसमें पहुंचता है। कहां से? तो हमारे लंग से। पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर करके लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाता है। यह है पल्मोनरी वेन। यह क्या है? पल्मोनरी वेन। यह बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा ब्लड वेसल कैसे हमारे हार्ट तक ब्लड को पहुंचाता है और फिर वह ब्लड कैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर करता है। तो हार्ट में राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया सुपीरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस की सहायता से, और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन की सहायता से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। तो इस तरह से दोनों एट्रियम में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंच गया है। एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी तरफ जो है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया है। उसके बाद
इस हर्ट के वाल के द्वारा मीन्स मायोमेट्रियम ऑफ द हर्ट इंडो मायोकार्डियम मायोकार्डियम ऑफ द हर्ट के द्वारा जब मायोकार्डियम में हर्ट के मायोकार्डियम जब कंट्रैक्शन होता है तो उसकी सहायता से सिस्टोल एक पोजीशन आता है इस हर्ट में एक कंडीशन आता है उसकी सहायता से या सिस्टोल होने के बाद यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है इसमें जो बाइकस्पिड वाल्व होता है उसकी सहायता से राइट एट्रियम का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है और उसके बाद लेफ्ट और एट्रियम का जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वह लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है। तो यहाँ तक लगा गया फिर ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से और बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से ध्यान से सुनिएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम इंटर इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व। ये जो है यहाँ पर जो वाल्व होता है उसे बाइकस्पिड कहते हैं और यहाँ जो होता है उसे हम लोग ट्राइकस्पिड कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके विषय में पहले एनाटॉमी ऑफ हार्ट में हम डिटेल बता चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और राइट वेंट्रिकल में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। फिर जब यह वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है मीन्स इस वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियम होता है वह जब कंट्रैक्ट करता है तो उस समय इसमें से राइट वेंट्रिकल में से जो ब्लड है वह ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आता है। यहाँ पर सेरेब्रल वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी इस हार्ट में ओपन होता है तो इसको कहते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जब राइट वेंट्रिकल का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करता है थ्रू द सेमी लुनर वाल्व। ये भी बता चुके हैं हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से याद होगा आप लोगों को यह है सेमिनर वाल्व और इसी सेमिनर वाल्व के ओपनिंग से होते हुए राइट वेंट्रिकल का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करता है और यह ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुंचाया जाता है लंग्स में और लंग्स में वह डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई होता है मीन्स ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पल्मोनरी वेन जो है वह आकर के खुलती है लेफ्ट एट्रियम में। अब आते हैं कि यह हुआ पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में यह डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया जहां प्योरीफाई होगा और उसी दौरान यहां लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह सेमिलुनर वाल्व के द्वारा इंटर करता है एओर्टा में। कहां इंटर करता है एओर्टा में। यह एओर्टा जो है वह हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं से शुरू होता है और उसके साथ साथ यहीं से एक और आर्टरी खुलती है जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो इस तरह से कोरोनरी आर्टरी जो है या यहाँ से दो कोरोनरी आर्टरी निकलती है और दोनों अपने अपने साइड में एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड के हार्ट के वाल को वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई दे देती है ताकि हार्ट जो है रेगुलर फंक्शन कर पाए रेगुलरली उसमें कोई बाधा ना आए। इसके लिए एक अलग ही आर्टरी यानी ब्लड वेसल्स है जो खाली सिर्फ जो है वह उसी को हार्ट को ही ब्लड सप्लाई देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देती है और यहाँ से एओर्टा के द्वारा जो है बाकी ब्लड जो है वह हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से यह हुआ ब्लड फ्लो। फिर से अगर देखेंगे थोड़ा सा ब्रीथ में तो हमारे हार्ट में मीन्स ह्यूमन के हार्ट में फोर चेम्बर्स होते हैं। इन फोर चेम्बर्स में ऊपर वाले दोनों चेम्बर को हम लोग एट्रियम कहते हैं नीचे वाले दोनों चेम्बर को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। एट्रियम जो होते हैं वो दो भाग बटे होते हैं एक राइट एट्रियम दूसरा लेफ्ट एट्रियम। नीचे में आते हैं वेंट्रिकल भी दो भाग बटे होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के द्वारा पहुंचाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। उसके बाद जब सिस्टोल होता है मीन्स जब कंट्रैक्शन होता है हार्ट में तो उस समय
हार्ट के राइट एट्रियम में जो डीएक्सोनेबल होता है वह ट्राइकस्पिड भाल के द्वारा राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और लेफ्ट एट्रियम में जो मौजूद ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह बाइकस्पिड भाल के सहायता से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। यहां आने के बाद जब कंट्रक्शन होता है वेंट्रिकल में तो उस समय राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है थ्रू द सेमिलुनर वाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह एओर्टा में एंटर करता है और कोरोनरी आर्टरी में एंटर करता है। कोरोनरी आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के वाल्व को सप्लाई देती है, और एओर्टा जो है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरे शरीर के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा देता है। यह हुआ आपका हार्ट फ्लो, यानी बॉडी में हार्ट के द्वारा ब्लड का फ्लो कैसे कराया गया, कहां कहां से कौन ब्लड रिसीव हुआ और कहां भेजा गया। अब आते हैं इसमें कि कार्डियक मसल्स मींस इस ब्लड के पंपिंग में मींस ब्लड के फ्लो में कार्डियक मसल का क्या रोल है। मींस अब देखेंगे कि हार्ट के फिजियोलॉजी में कार्डियक मसल का क्या रोल है। तो जैसे हम बता रहे हैं आपको कि हार्ट में दो तरह के मसल्स होते हैं, एक मसल्स होता है जिसे हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं, कार्डियक मसल्स, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पेसमेकर। तो दो तरह के मींस हमारे हार्ट का जो है, आपको बताए थे कि हार्ट में जो लेयर होता है वाल्व जो होता है उसका थ्री लेयर होता है, अंदर वाले कहते हैं हम लोग इंडोकार्डियम, बीच वाले कहते हैं हम लोग मायोकार्डियम, और बाहर वाले कहते हैं इपिकार्डियम। तो इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, तो इसमें से मायोकार्डियम जो होता है मींस मायोकार्डियम में जो मसल्स होते हैं उन्हीं मसल्स की सहायता से हार्ट जो है वह पंप कर पाता है या कंट्रक्शन या रिलैक्सेशन उसमें संभव हो पाता है। इस तरह से मायोकार्डियम जो है वह हार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है जिसमें बहुत सारे मसल्स पाए जाते हैं। उन सभी में जो मसल्स होते हैं वो दो तरह के, कार्डियक मसल्स एंड पेसमेकर मसल्स, जो हम लोग एनाटॉमी ऑफ हार्ट में पढ़े हैं। कार्डियक मसल जो है यह 99% पार्ट जो होता है वह मायोकार्डियम का इस कार्डियक मसल से बना होता है, और सिर्फ 1% जो होते हैं पेसमेकर पाए जाते हैं। मायोकार्डियम में जो मसल्स का सेल्स पाया जाता है उसे हम लोग कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियक मसल्स जो होते हैं उनके सेल्स को हम लोग कहते हैं कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट्स, एंड पेसमेकर्स में जो सेल्स होते हैं उसे हम लोग कहेंगे पेसमेकर सेल्स, पेसमेकर सेल्स। इस तरह से कार्डियोमायोसाइट्स और पेसमेकर सेल्स, दो तरह के सेल्स इस कार्डियक मसल्स में पाए गए। तो कार्डियोमायोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वह कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कार्डियोमायोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वह कंट्रक्शन के लिए, जो हार्ट का मायोमेट्रियम होता है उसके कंट्रक्शन में सहायक होते हैं, और पेसमेकर सेल्स जो होते हैं ये एक्शन पोटेंशियल मीन्स एसए नोड पर इम्पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसके एक्शन पोटेंशियल को यह कार्डियोमायोसाइट तक पहुंचाता है ताकि कार्डियोमायोसाइट्स मीन्स कार्डियक मसल जो हैं वो कंट्रक्शन कर पाएँ और रिलैक्सेशन कर पाएँ। तो इस तरह से यह कार्डियक मसल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं कि कार्डियोमायोसाइट्स जो होते हैं, फर्स्ट देखेंगे कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट्स जो होते हैं इस तरह के सेल्स में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वे कैल्शियम को रिलीज करते हैं, सेक्रेट करते हैं, यानी मैक्सिमम संख्या में, मैक्सिमम मात्रा में कैल्शियम को रिलीज करते हैं। इस तरह के सेल्स में यानी कार्डियोमायोसाइट्स में, कार्डियोमायोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक सेल में अधिक होता है। ये सभी क्यों अधिक होते हैं इसका रीजन अभी बताएंगे। कार्डियोमायोसाइट का अगर हम नेचर देखेंगे तो यह जो है यह इनवॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी एस्ट्रिएटेड मसल्स, ये कैसा है, इनवॉलंटरी एस्ट्रिएटेड मसल्स होता है, यानी यह अपने कंट्रोल में नहीं होता है। इसका जो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वह
ऑटो रिदमिसिटी की सहायता से, यानी ऑटो रिदम होता है उसका, अपने आप स्वतः जो है वह कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करता है पेसमेकर सेल्स के एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करने के बाद। उसमें अगर हम लोग मायोफाइब्रिल्स की संख्या देखेंगे तो कार्डियोमायोसाइट्स में मायोफाइब्रिल्स की संख्या जो होती है वह अधिक होती है। ये सेल्स जो होते हैं कार्डियोमायोसाइट्स एक दूसरे के साथ जो है कुछ जंक्शंस पर ऐड रहते हैं, जिस तरह से न्यूरॉन जो होता है वह किसी जंक्शन पर एक दूसरे से जुड़ता है, उसी तरह से कार्डियोमायोसाइट्स मीन्स कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं वे एक दूसरे से जंक्शन की सहायता से जुड़े होते हैं। इस जंक्शन को हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इसे हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इसी इंटरकैलेटेड डिस्क की सहायता से कार्डियोमायोसाइट्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो है वह जुड़ जाते हैं, ताकि जो पेसमेकर से एक्शन पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो वेव पहुंचा है वह वेव इस सेल्स को, हर एक सेल को पहुंच पाए, उसके लिए वे इंटरकनेक्टेड डिस्क की सहायता से जंक्शन पर जुड़ जाते हैं। इनमें जो अभी बताया कि जो कैल्शियम होता है इस सेल्स में, कार्डियोमायोसाइट्स के सेल्स में सारकोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं वो अधिक मात्रा में कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं, उससे जो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होता है वह ट्रिगर होता है, और उसके सहायता से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वह रिदम में हमेशा कंटिन्यूस हुआ करता है ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द कार्डियोमायोसाइट्स। और वो कैसे ट्रिगर होते हैं, वो ट्रिगर होते हैं ड्यू टू कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम द साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द कार्डियोमायोसाइट सेल्स। तो इस तरह से इसमें एक और माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कार्डियोमायोसाइट सेल्स में अधिक होते हैं। उसका कारण है कि कार्डियोमायोसाइट्स को, चूंकि यह हमेशा हमेशा ये काम करते रहता है, इसके काम को रुकना नहीं है, माने कार्डियोमायोसाइट्स जो होता है वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, क्योंकि उसे बहुत ही अधिक से अधिक एनर्जी मिलते रहता है, एनर्जी की कमी नहीं होती है, क्योंकि कार्डियोमायोसाइट्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी की सहायता से इस कार्डियोमायोसाइट्स को अधिक से अधिक एनर्जी सप्लाई होता है, जिसके चलते कार्डियक मसल्स कभी थकते नहीं हैं, उन्हें हमेशा एनर्जी जो होता है मिलते रहता है। तो इस तरह से कार्डियोमायोसाइट्स जो होते हैं वह, पहला बताया इनका नेचर कि ये इनवॉलंटरी और स्टेटेड मसल्स होते हैं, दूसरा बताया कि इसमें सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनके द्वारा कैल्शियम आयन का आयन रिलीज किया जाता है, और वह कैल्शियम आयन जो होता है एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन होता है उसमें, उसको कंट्रैक्शन में सहायता पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ इसका चूंकि काम हमेशा एनर्जी का है, हमेशा इसको एनर्जी मिलते रहना चाहिए, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है एक सेल्स में अधिक होती है, जिसके चलते एटीपी की सहायता से इन्हें अधिक से अधिक एनर्जी वो मिल पाता है। तो ये जो हुआ आपका कार्डियोमायोसाइट्स का नेचर और कैरेक्टर कैसा है, और उसमें कौन कौन से चीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पोर्शन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी कार्डियोमायोसाइट्स के किस पोर्शन के द्वारा, किस ऑर्गेनेल्स के द्वारा कैल्शियम आयन रिलीज होता है, किसके द्वारा एटीपी रिलीज होता है, किसके द्वारा एक्टिन एंड मायोसिन एक्शन में आते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है इस कार्डियोमायोसाइट के डिस्कशन के दौरान निकला है, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब आते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा जो है ये जो इम्पल्स थे, जो एक्शन पोटेंशियल थे, वो एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचा दिया गया। तो इस तरह से कैसे कार्डियोमायोसाइट कंट्रैक्ट करेंगे ये आपको बताए हैं। अब आते हैं हम लोग पेसमेकर सेल्स, ये था कार्डियोमायोसाइट सेल्स मीन्स कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं, दूसरा था पेसमेकर सेल्स, पेस मेकर सेल्स ये संख्या में कितने होते हैं, लगभग 1% होते हैं उसकी तुलना में। यहाँ पर कंट्रैक्शन नहीं होता है, ये पेस मेकर सेल्स जो होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। इसके द्वारा जो एक्शन पोटेंशियल निकलता है, एक्शन पोटेंशियल
यह पोटेंशियल जो होता है वह पहुंचाया जाता है कहां पर, कार्डियोमायोसाइट्स के पास। तो इस तरह से ये जो एक्शन पोटेंशियल कार्डियोमायोसाइट्स के पहुंचते हैं पहुंचाते हैं तो वहां कंटेक्शन होता है, मींस पेसमेकर जो होते हैं कंडक्शन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंडक्शन सिस्टम मींस इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो निकलता है पेसमेकर सेल से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी किया जाए कहां तक, कार्डियोमायोसाइट्स तक। तो कार्डियोमायोसाइट्स तक पहुंचाने के लिए ये पेसमेकर जो होते हैं अपने इंपल्स को कार्डियोमायोसाइट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस तरह से पेसमेकर कंडक्शन सिस्टम बनाते हैं। अब आते हैं ये पेसमेकर किस तरह से कंडक्शन सिस्टम बनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे अब। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये हर थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएंगे ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें कि कैसे ये कार्डियक इंपल्स जो होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचते हैं या जनरेट होते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यहाँ जो है यह है राइट एट्रियम, यह सुपीरियर वेना कावा खुलता है, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इसी ओपनिंग के नियर बाई एक नोड पाया जाता है, इस नोड को हम लोग कहते हैं एस ए नोड। इसका एक और नाम देते हैं, इसका फुल फॉर्म कहेंगे तो साइनो एट्रियल नोड, इसको कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ये जो एस ए नोड होता है यह एस ए नोड पेसमेकर सेल से बना होता है, मींस कंडक्टिव सिस्टम जो भी बताया कि यह पेसमेकर सेल जो है कंडक्टिव सिस्टम बनाता है। तो कंडक्शन का काम यहाँ होता है, यहीं से जो इंपल्स होता है वो जनरेट होता है। तो यह एस ए नोड किससे बना होता है, पेसमेकर सेल से बना होता है, पेसमेकर सेल से बना होता है। इस पेसमेकर सेल्स की सहायता से जो इंपल्स यहाँ बने हैं वो इंपल्स कंडक्ट किए जाते हैं, इसीलिए वो कंडक्शन सिस्टम बनाया था। तो ये हमारे राइट एट्रियम को कंडक्ट करते हैं यहाँ से, कौन, तो यहाँ से एक साइनस कोरोनरी साइनस जो था अब बताए थे जो हमारे हार्ट से डी ऑक्सीजन ब्लड को लेकर के राइट एट्रियम पहुँचाया था, वह कोरोनरी साइनस का जो नर्व फाइबर्स होते हैं जो माइफाइब्रिल्स होते हैं वे माइफाइब्रिल्स जो होते हैं वो इस एस ए नोड से इस एक्शन पोटेंशियल को रिसीव कर करके हमारे राइट एट्रियम के वाल में पहुंचाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट एट्रियम के वाल में कार्डियक इंपल्स जो वेव होते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स उसको किसकी सहायता से इस वाल को पहुँचा जाता है या दिया जाता है। तो इसमें आते हैं साइनस कोरोनरी साइनस के जो माइफाइब्रिल्स होते हैं उनकी सहायता से ये इंपल्स यानी एस ए नोड नोड पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट हुआ है वह हमारे राइट एट्रियम के वाल में पहुंचाया जाता है। आते हैं लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा एस ए नोड के इलेक्ट्रिकल इंपल्स को यानी एक्शन पोटेंशियल को वहाँ पहुँचाया गया। तो इसे हम लोग कहते हैं बैचमैन बंडल्स, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बैचमैन्स बंडल। तो ये जो है बैचमैन बंडल है इसी के सहायता से लेफ्ट एट्रियम में एस ए नोड पर उत्पन्न मीन्स जनरेटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से दोनों एट्रियम में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में कोरोनरी साइनस के द्वारा और लेफ्ट एट्रियम में बैचमैन्स बंडल के द्वारा इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक्शन पोटेंशियल को पहुंचा दिया गया और वहां के जो मायोसाइट्स हैं कार्डियोमायोसाइट जो होते हैं वो उस इंपल्स को पाकर के कंट्रैक्शन करते हैं, यानी उनको एक एक्शन पोटेंशियल मिल गया और उनको काम करने के लिए एक स्टिमुलेशन मिल गया और वो एक्शन में आ जाते हैं, वो फिर कंट्रैक्शन शुरू कर देते हैं। अब आते हैं इस एस ए नोड पर जो जनरेट हुए इंपल्स वे इंपल्स कैसे यहाँ से फिर निकलेंगे। तो इसकी सहायता से अब आते हैं कि ये जो है यहाँ पर एक ए भी नोड पाया जाता है, यहाँ पर एक ए भी नोड पाया जाता है। सबसे ये जो है यहाँ पर एक नोड होता है इसे हम लोग ए भी नोड कहते हैं, इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे इसको ए भी नोड कहते हैं, ये है आपका ए भी नोड। इसको अगर हम लोग फुल फॉर्म में देखेंगे तो एट्रियो वेंट्रिकुलर
नोड कहेंगे। इस SA नोड पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस AB नोड के पास ट्रांसफर होता है। एक चीज और देखेंगे कि AB नोड कहाँ स्थित होता है, चूंकि हम एनाटॉमी बता चुके हैं लेकिन फिर से इसको विभाजित करवा देना चाहेंगे। AB नोड जो है वह ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सिप्टम या इंटरवेंट्रिकुलर सिप्टम के टॉप पर स्थित होता है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यह इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सिप्टम है उसके बीचों बीच स्थित होता है। तो इस तरह से यह डबल क्वेश्चन यहाँ बनता है, या एक सिचुएशन हो गया ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सिप्टम एंड इन द मिडिल ऑफ द इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सिप्टम। तो इस तरह से एबी नोड कहाँ हुआ ये बताया। तो इस एबी नोड के पास एस ए नोड के ऊपर जो जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिक इंपल्स वह पहुंचता है एबी बंडल्स की सहायता से। यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद ये एसए नोड पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट हुआ है वह कभी भी डायरेक्टली वेंट्रिकल को नहीं पहुंच सकता है, तो वह भाया पहुंचाता है फिर। तो भाया कहाँ आया, एबी नोड के पास आया। एबी नोड जो है उस इंपल्स को रिसीव किया, एबी नोड से कुछ बंडल निकलता है, इसे हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिस। इसे कहेंगे बंडल ऑफ हिस, ये रेड कलर का है, इसे हम लोग कह देंगे बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, ये वो बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस जो है वह फिर कुछ दूर आने के बाद दो भाग में डिवाइड हो जाता है। ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं बंडल ब्रांचेज, इसे क्या कहेंगे हम लोग, बंडल ब्रांचेज। ये बंडल ब्रांचेज यहां से निकल करके फिर से ये हमारे लेफ्ट और राइट साइड में, मींस यह लेफ्ट और यह राइट वेंट्रिकल है, यह राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहां पर ये आने के बाद ये परकिंजे फाइबर में से जुड़ जाते हैं। ये जो फाइबर्स हैं इन्हें हम परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ये परकिंजे फाइबर जो है पूरे वेंट्रिकल के वाल में उस कार्डियक इंपल्स जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ है एस ए नोड पर व ए बी नोड के बाद इस परकिंजे फाइबर्स के द्वारा पूरे आपके वेंट्रिकल्स को पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वह कैसे पूरे हार्ट को ट्रांसमिट किया गया ये हम बताने की चेष्टा किए हैं। यहाँ देखिए फिर से यह हो गया साइनो एट्रियल नोड। इस साइनो एट्रियल नोड जो है वह पेसमेकर सेल से बना होता है। पेसमेकर सेल्स जो है वह कंडक्शन सिस्टम आता है, मींस इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होते हैं उस जगह पर उसको वह कार्डियोमायोसाइट्स तक पहुँचाता है। किसकी सहायता से, तो वहाँ पर ये फाइबर्स होते हैं सपोज राइट ऑरिकल में जो है वह साइनस यानी कोरोनरी साइनस के द्वारा पहुंचाया जाता है और लेफ्ट एट्रियम में वह बैचमैन बंडल के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। अगर हम लोग वेंट्रिकल में आएंगे तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में यह बंडल ऑफ हिस, उसके बाद बंडल ब्रांचेज और उसके बाद परकिंजे फाइबर्स की सहायता से ये दोनों वेंट्रिकल्स में पूरे वाल को इम्पल्स पहुँचा दिया गया। तो इस तरह से कार्डियोमायोसाइट्स जो ऑटोरिदमिसिटी के क्वालिटी के साथ होते हैं उनको ये इंपल्स मिलते ही, मीन्स एक्शन पोटेंशियल मिलते ही वो एक्शन में आते हैं। एक्शन में आने का मीन्स कि वो उसका काम है कंट्रक्शन करना, कंट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से यह मायोफाइब्रिलस हार्ट के वाल को कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन में सहायता पहुँचाते हैं। अब आते हैं इस तरह से कार्डियक जो इंपल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक इंपल्स वो पूरे हार्ट के वाल को सप्लाई दे दिया गया है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का टॉपिक जितना पसंद आया होगा उससे हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे और कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद।